हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। देखिए आप लोग जो है कंटिन्यूटी में भी देखिए बॉटनी पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर जो है क्रिएट हो गई होगी अभी तक फ्लावरिंग प्लांट की। मॉर्फोलॉजी हमने की, एनाटॉमी हमने की, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं भाई, फटाफट से बता सकता है कोई? मैं बताती हूँ आप लोगों को। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपने ही जैसी प्रोजेनी जो होती है वो डेवलप की जाती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज, है ना, अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। वेराइटी वेरिएशंस जो होते हैं इन सब, ये सब भी डेवलप होते हैं अगर वो रिप्रोडक्शन कैसा हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ए सेक्सुअल होता है तो हम ये बोलते हैं कि जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली जो डिसिमिलरिटी थोड़ी बहुत आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, तो वो एकदम क्लोन ही डेवलप हो जाते हैं। यहाँ हम फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भाई, रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एंड फ्यूजन की वजह से बनता है जाइगॉट, और जाइगॉट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट है। हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आता है, गेमेटोजेनेसिस आता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन आता है, एंड देन फर्टिलाइजेशन यही गैमेट्स जो मेल एंड फीमेल होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये जो फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी जो है उसका जो रिजल्ट होता है जाइगॉट, वो क्या होता है, सेल डिवीजन करता है, एंड देन डिफरेंशिएशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, राइट। उसके अलावा हम चूंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत सारे चेंजेस आते हैं किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, क्योंकि फ्लावर जो है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मॉडिफाइड शूट है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि चार जो होते हैं वो रोल प्रेजेंट होते हैं, किनके, लीव के, जिसमें से दो रोल जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं, एसेसरी रोल होते हैं। ये आपका टिपिकल फ्लावर है, एक हम लोगों ने जो डायग्राम ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें आउटर मोस्ट रोल जो है वो किसका होता है, कैलेक्स का होता है, जिसके हर यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। सेकेंड जो रोल होता है उसके जस्ट अंदर की तरफ वो जो रोल होता है उसको हम कोरोला बोलते हैं, और कोरोला की हर यूनिट को पेटल बोलते हैं, और पेटल्स जो है वो एक्चुअल में दिखने में बड़ी ही अट्रैक्टिव होती है। पेटल्स जो है वो एक्चुअल में पॉलिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर वो कलरफुल है, ताकि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो क्या हो सके, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो सके, है ना। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन में हेल्प करती है, तो ये एसेसरी रोल है दोनों के दोनों। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये फ्लावर जो हम लोगों ने लिया है ये किस तरह का फ्लावर है, बाईसेक्सुअल फ्लावर है। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, ये कंडीशन बाईसेक्सुअल कहलाती है। अभी देखिए बाईसेक्सुअल है क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके एंड्रोशियम आपको नजर आ रहे हैं, ये जितने भी स्टैमंस है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टैमंस जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये है एंड्रोशियम, है ना, एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि ये मिडल में आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं डायरोशियम, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, लीफ के अंदर हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर सॉरी इवोल्यूशन पढ़ा है, जिसमें आपको पता है कि स्पोरोफिल्स होती है। स्पोरोफिल किसको बोलते हैं, स्पोरोफिल वो लीफ होती है जिस पर क्या होते हैं, स्पोर बियरिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं ओव्यूल जिनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, राइट। यही स्पोरोफिल क्या हो जाती है, जब कॉम्पैक्ट हो जाती है तो क्या फॉर्म करती है, कोन को फॉर्म करती है। तो एक्चुअल के अंदर ये जो स्टैमंस है और ये जो आपका गाइनोशियम है ये किससे फॉर्म हुआ है, ये इन स्पोरोफिल से ही तो फॉर्म हुआ है। तो स्टैमंस जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से, और आपके गाइनोशियम किससे फॉर्म होगा, मेगा स्पोरोफिल से, ठीक है। तो ये शब्द जो यूज किए जाते हैं तो भी कुछ गलत नहीं होगा इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है। तो हम कार्पल शब्द यूज करते हैं कि कार्पल जो होते हैं वो एक्चुअली बनाते हैं किसको, गाइनोशियम को, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे कार्पल शब्द यूज होता है किसके लिए, आपके गाइनोशियम के लिए। चलिए, तो ये जो है ये एक टिपिकल फ्लावर है जो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम लोग पूरे चैप्टर की समरी देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा समरी, ये एक रिवीजन लेक्चर है
और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। किस बेस पे? आपको पहले एनसीईआरटी का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी कुछ भी कंफ्यूजन है वो एक साथ आपको मिल जाएंगे एक घंटे में। और अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप, आपको पूरा का पूरा चैप्टर खुद से रिवाइज करना है एनसीईआरटी को ही, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज, और उसके बाद में आपको हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो देनी है, ताकि आपको पता चले कि आपने चैप्टर वाइज कितनी ग्रोथ कर ली है। क्लियर? चलिए नाउ सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी गैमेटोजेनेसिस इसका पार्ट है, पर गैमेटोजेनेसिस गैमेट बनेंगे किसके अंदर, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी तो स्टडी करनी पड़ेगी हमें। चलिए तो वही हम लोग बोला है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसके बारे में हमने बता दिया है आपको। स्टैमंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट जो है ये आपका है फिलामेंट, ये फिलामेंट क्या करता है, ये एंथर है, और इन एंथर को वो कनेक्ट करके रखता है किससे, थैलेमस से। ये थैलेमस है जिसके ऊपर क्या है, ये एंथर लगे होते हैं। तो फिलामेंट एंड एंथर इसके दो पार्ट है, किसके, एंड्रोशियम के। अगर हम बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम के तीन पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है भाई, एक होता है सोलन एरिया, ये पूरा फुला हुआ एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, और इस ओवरी के अंदर लगे होते हैं क्या, ओव्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एग सेल प्रेजेंट होती है जो फर्टिलाइज होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए ओवरी है ये, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ये एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं उसको कनेक्ट करके रखता है किसके साथ में, ओवरी के साथ में। तो ये स्टिग्मा जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए, पोलन ग्रेन आकर इस पर क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, हेलीकॉप्टर आके जहाँ पे रुकता है ना, तो उसकी तरह ही काम करता है, पोलन ग्रेन आकर इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, गिर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीन जो है ये पार्ट है किसके, गाइनोशियम के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। स्टैमन सबसे पहले हमारी मेन रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टैमन्स जो है उसके दो पोर्शन है, हमें पता है फिलामेंट जो होता है वो हम बोल रहे हैं स्टेराइल पोर्शन है, ये इसके अंदर कोई भी तरह का गैमेट जो फॉर्म नहीं होता। एंटर वो एरिया है जहाँ पर जो है हमारे स्पोर्स जो है वो लगते हैं, क्योंकि देखिए फ्लावरिंग प्लांट जो है उनकी मेन बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट के अंदर सबसे पहले स्पोर लगेंगे, राइट। तो ये एंटर जो है वो एरिया है जहाँ पर जिनमें स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ कौन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ये एंथर देखिए, हम लोग पर्टिकुलरली जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो देखो वैरायटीज बहुत सारी होती है, अगर आप पूरी मोर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे अगर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो इतना लेंथी टॉपिक है कि आप उसके बारे में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल जरूरी नहीं है, जो एनसीईआरटी ने लिमिटेड दिया वही पढ़िए। तो देखिए एंथर जो है वो कैसा हो सकता है, बाइलॉब एंथर है, ये देखिए इसमें टू लॉब्स है, और ये जो है इनमें प्रेजेंट होती है क्या, दो थीका प्रेजेंट होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाइथीकस कंडीशन हम बोलते हैं, बाइलॉब एंथर जो है वो होता है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इनके अंदर फोर, ये देखिए यहाँ पर जिनके अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट है, टेट्राड कंडीशन है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया चारों कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो प्रेजेंट ये एरिया है ये कनेक्टिव रीजन है जहां तक क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स आते हैं, फिलामेंट से लेकर यहाँ तक वैस्कुलर बंडल्स जो है वो फैले रहते हैं, ताकि न्यूट्रिशन जो है वाटर की सप्लाई जो है वो कंटिन्यू होते रहे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स जो है उन तक पहुंचाने के लिए वो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए हम लोगों ने एंथर जो है उसका टीएस सेक्शन लिया है, क्योंकि अभी हमें माइक्रोस्पोर जिसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं उस स्ट्रक्चर की भी स्टडी करनी है, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया की स्टडी करनी है। चलिए तो आप देखोगे क्या, अगर आप इसका टीएस सेक्शन देखते हो तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज नजर आ रहे हैं जो एक्चुअल में वैस्कुलर बंडल्स है, ठीक है। चार इसके अंदर हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया चारों ही कॉर्नर पे है, ये वो एरिया है जहां से एंथर जो है फटता है और जहां से रिलीज होते हैं क्या, आपके पोलन ग्रेन्स। चलिए नाउ सबसे पहले अगर हम लोग देखें किसी भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम स्टडी करें, तो इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, तो आप देखोगे इसके सेंटर के अंदर खूब सारी, ये देखिए कई सारी जो है ना सेल्स प्रेजेंट है, यू ये पूरी की पूरी डिवाइडिंग सेल्स है, ये कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, जर्मिनेट ये जर्मिनल सेल्स है, ये सारी की सारी जो कंटिन्यू क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये वो जो सेल्स हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करती हैं, जर्मिनल सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है MMC, ये क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर को फॉर्म करती है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये कवर रहती है किससे, फोर लेयर से। कौन कौन सी है भाई वो फोर लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कैपिटम, कैपिटम के बाद में आती है लेयर जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, फिर आती है एंडोथीलियम और सबसे लास्ट में है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथीलियम, फिर उसके बाद में दो तीन लेयर जो होती है मिडल लेयर, एंड देन सबसे एंड में होती है कैपिटम। इम्पॉर्टेंट है कैपिटम क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैपिटम जो है वो कैसी होती है, तो देखो ये सबसे पहली बात, इनके अंदर क्लोइडी लेवल जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है ना। हम ये बोलते हैं थ्री एन कंडीशन इनके अंदर हो सकते हैं, ये जो है इनका प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है। हम ये बोलते हैं कि इनका जो आपका न्यूक्लियस है वो भी क्या है, अगर हम देखेंगे क्योंकि प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है तो इस वजह से वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। और साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर क्या होता है, बड़ा ही थिक और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि कैपिटम जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो न्यूट्रिटिव जो डेवलप हो रहे माइक्रोस्पोर है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करे, इसी के साथ में सिक्रेटरी भी हो सकती है यानी कि सिक्रेशन करती है। जब आप पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो उसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, तो उसका सिक्रेशन जो है वो किससे होता है, कैपिटम की लेयर से होता है। यूबिस्क बॉडीज जो है उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका सिक्रेशन भी किससे होता है, कैपिटम से होता है। तो कैपिटम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी हम बोलते हैं लेयर होती है जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये क्या करती है, कंटिन्यू डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करेगी यहाँ पे, क्योंकि इसको फॉर्म क्या करने हैं, स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है ताकि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म हो सके। तो स्पोरिक मियोसिस करती है कौन, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होते हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे पहले स्पोरोफाइट है तो वो अपनी पहले स्पोरोफाइट वाली जो लाइफ है उसको कंप्लीट करेगा, राइट। तो चलिए फिर आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे बोलते हैं, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये किससे फॉर्म होती है, तो ये फॉर्म होती है पोलन मदर सेल बोलो चाहे माइक्रोस्पोर हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपके सेंटर में जो हम लोगों ने देखे थे स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो एक्चुअल में इसकी सारी सेल्स जो होती है दिखने में हमेशा एक जैसी ही लगती है, होमोजिनस होती है। फिर ये क्या करती है, ये मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर जो है उनको फॉर्म करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज है इनमें से माइक्रोस्पोर फॉर्म करने वाली जो भी है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसकी कंडीशन क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, वो स्पोरिक मियोसिस करेगा। और स्पोरिक मियोसिस करेगा तो इसकी वजह से फोर माइक्रोस्पोर जो है वो फॉर्म होंगे। अभी देखो ये याद रखो आप, मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, फोर सेल्स होती है। तो यहाँ पे एक मियोसिस से कितनी सेल्स बनेगी, फोर। तो कितने स्पोर बनेंगे, चार स्पोर बनेंगे। अभी जो जो चार स्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोर जो बनते हैं ये एक्चुअल में किसी भी तरीके के हो सकते हैं स्ट्रक्चरली, ये लीनियरली इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये बोलते हैं कि हो सकता है कि इस तरह से टी शेप ये है, इस तरह से ये जुड़े हुए हो सकते हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि टेट्राड कंडीशन के अंदर भी हो सकते हैं कि तीन आपको सामने से इस तरह से नजर आ रहा है, एक पीछे की तरफ हो तो चार इस तरह से जुड़े हो। तो एक्चुअल में जो इनका ये स्ट्रक्चर है कि माइक्रोस्पोर आपस में किस तरीके से जुड़े हैं ये डिपेंड करता है कि साइटोकाइनेसिस जो हो रहा है कैरियोकाइनेसिस के बाद में वो साइमल्टेनियस हो रहा है या फिर सक्सेसिव हो रहा है। बट इतनी डिटेल आपकी एनसीईआरटी ने दी नहीं है, तो आप चाहो तो इस डिटेल को पढ़ो, पर अगर नहीं दी है तो मत पढ़ो ना, रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए फिर आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स पे कि पोलन ग्रेन क्या है। तो देखिए पोलन ग्रेन जिसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है, और ये याद रखिए मेल गैमेटोफाइट किसको बोला जाता है, पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब उसको हम बोलते हैं मेच्योर मेल गैमेटोफाइट हम बोलते हैं। पोलन ग्रेन जो है आपका इसको हम बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। ये एक सिंगल हम ये बोल सकते हैं कि जो एक ही सिंगल जो सेल होती है पोलन ग्रेन होती है उसी को सिर्फ गैमेटोफाइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मेल गैमेटोफाइट केवल उसी स्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके अलावा कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट यानी मेल गैमेटोफाइट जो है वो फॉर्म नहीं होता। ठीक है ना, कोई अलग से कोई पूरा प्लांट जो है वो डेवलप नहीं होता, तो एक छोटी सी स्टेज ही है जो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल जब हम लोगों ने पढ़े थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब हमने पढ़ा तो हमने लोगों ने क्या बोला था कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉन्टिक होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादातर डिप्लॉयड स्टेज ही आती है। चलिए पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती है, दो लेयर्स होती है। एक तो होती है
इनर लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं इंटाइन, और दूसरी जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एक्साइन और ये है इंटाइन। ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कैसी होती है, थिक होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। कहीं कहीं पे जहाँ पे स्पोरोपोलिन छूट जाता है वो पोर जो है ना उन पोर को हम बोलते हैं जर्म पोर बोलते हैं, जहां से इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब बनाते हुए बाहर निकलती है। तो इंटाइन एक्चुअल में कैसी होती है, ये थोड़ी सी थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर है, जबकि ये डिसकंटिन्यूस हो गई ना तभी तो जर्म पोर फॉर्म हो रहा है। और ये किसकी बनी है, ये सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, कंटिन्यू होती है, पोलन ट्यूब फॉर्म करती है, जबकि एक्साइन जो होती है वो डिसकंटिन्यू हो सकती है, कई कई जगह जंप ओवर बनाती है, छूट जाता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन। बट ये बहुत हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, स्पोरोपोलिन बहुत ही हार्ड है। स्पोरोपोलिन किस तरीके से डिपॉजिट है, इस वजह से पोलन ग्रेन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमें बोलते हैं फॉर्म होती है, जिसका यूज जो है पोलन हम ये बोलते हैं कि जो स्पीशीज है उनकी स्टडी करने में भी किया जाता है। टैक्सोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोलन ग्रेन जो है ना उनकी स्टडी करने के अंदर। ठीक है, चलिए नाउ अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, तो इनका डायमीटर 25 to 50 इनका डायमीटर हो सकता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये होती है। अगर हम लोग बात करें पोलन ग्रेन की वियबिलिटी के बारे में या फिर स्टोरेज के बारे में, तो देखिए वियबिलिटी जो होती है हम ये बोलते हैं सबकी अलग अलग होती है। पोलन ग्रेन जो है किसी किसी में पोलन ग्रेन जो है बहुत ही जल्दी क्या होता है पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेता है और अपनी मतलब मेल गैम फीमेल गैमेट के साथ में जाके फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन शो करता है। बट कभी कभी जो होता है ये हमें बोलते हैं कि जर्मिनेट नहीं होता। तो जर्मिनेशन जब तक नहीं होता है पोलन ग्रेन के बनने और उसके जर्मिनेट ना होने तक का ना जो टाइम होता है उसको उसका वियबिलिटी पीरियड बोलते हैं। ये सब में डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि वीट और राइस में देखेंगे तो 30 मिनट ही होते हैं, जबकि रोजेसी लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी इन फैमिली में कुछ मंथ तक का होता है। हम लोग पोलन ग्रेन जो होते हैं उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसे ट्रीट करके। देखिए इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, फॉर मेनी इयर्स कई साल तक हम इसका इस तरह से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। चलिए नाउ पोलन ग्रेन जो है इसका इसी यही क्रायो प्रिजर्व करके इनके पोलन बैंक्स जो होते हैं उनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। टाइम आने पर कभी ऐसा हो कि पोलन ग्रेन से किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के पोलन ग्रेन को लेके किसी और स्पीशीज के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाना हो तो इस वजह से भी क्या होता है पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है पोलन बैंक्स के अंदर। और कई बार कोई स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए तो उसके लिए भी पोलन ग्रेन को लंबे टाइम तक क्या किया जाता है, क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये इनको प्रिजर्व भी किया जा सकता है, पोलन बैंक जो है वो फॉर्म किया जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके अलावा पोलन ग्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एज ए हम कहते हैं ना पोलन ग्रेन जो होते हैं क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं तो इनको टॉनिक वोनिक बना के भी ये पोलन ग्रेन का जो है ना यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की तो मैच्योर पोलन ग्रेन अगर कोई है तो उसके अंदर कितनी सेल स्टेज होती है, तो देखिए इसमें क्या होती है टू सेल स्टेज होती है। जैसे कि ये है आपका पोलन ग्रेन, ये है उसका न्यूक्लियस जिसमें एक मैच्योर प्रेजेंट है। फिर एक एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म होता है जिसकी वजह से दो सेल्स फॉर्म होती है। एक जो लार्ज साइज की सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जबकि दूसरी जो है छोटी सी होती है स्पिंडल शेप सी होती है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो होती है ये खुद क्या करती है वापस से एक बार और माइटोटिक डिवीजन करती है। याद रखिए ये डिवीजन कौन सा हो रहा है यहाँ पे माइटोटिक, क्योंकि दो ही सेल फॉर्म हुई है ना, एक डिवीजन से दो सेल फॉर्म हुई है माइटोटिक का रिजल्ट है, तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। और फिर ये जो जनरेटिव सेल है ये फिर से क्या करती है माइटोटिक डिवीजन करती है जिसकी वजह से दो मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिए तो ये मेल गैमेट जो है वो कितने और कौन सी डिवीजन की वजह से होता है, तो देखिए मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक मियोसिस होगा जिससे माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर को ही हम क्या कह रहे हैं पोलन ग्रेन्स कह रहे हैं। फिर इन पोलन ग्रेन के अंदर जो है वो दो बार माइटोसिस होता है जिसकी वजह से जनरेट जो आपकी गैमेट सेल्स होती है मेल गैमेट जो है वो फॉर्म होता है। पोलन ग्रेन खुद मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। चलिए तो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, अब याद रखिए कि ये जो पोलन ग्रेन है ये दो कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ये जो है पोलन ग्रेन अपने हमें बोलते हैं कि स्पोरोफाइट से रिलीज होकर जो भी इनकी कंपेटिबल स्टिग्मा है उस पर जाकर लैंड करेगा, तो वो जो लैंड करेगा वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, या तो टू सेल स्टेज पर वो लैंड करेगा या फिर थ्री सेल स्टेज पर लैंड करेगा। तो याद रखिए कि ज्यादातर जितने भी एनजियोस्पर्म है यानी मोर देन 60% के आसपास जो है वो क्या है टू सेल स्टेज पर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या करते हैं लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, जबकि बाकी जितने भी बच गए कितने बच गए 40% स्पीशीज बच गई है प्लांट की एनजियोस्पर्म में, तो वो थ्री सेल स्टेज पर क्या होती है
वो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा को जाकर लैंड करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि कौन सी स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो अंतर से निकलेंगे और स्टिग्मा को जाकर लैंड करेंगे। चलिए, पोलन ग्रेन के एडवांटेज, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बोली कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है, तो एज ए फूड सप्लीमेंट इनको लिया जाता है। कुछ एथलीट्स वगैरह जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके कई डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि इनसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डेवलप होता है, एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर किसकी वजह से, तो पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, इसको इंडिया के अंदर जो आई है ना पार्थेनियम, ये जो है पोलन एलर्जी डेवलप करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन। चलिए, पोलन ग्रेन के बारे में आगे फिर आ जाते हैं। फीमेल हम बोलते हैं गैमेट के लिए, फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उससे पहले आपका मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे, है ना, और स्पोर जो है मेगास्पोर फिर बनाएगा किसको, आपके फीमेल गैमेटोफाइट को, जिसमें बनेगा फीमेल गैमेट। तो इस पूरे प्रोसेस में पहले, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आपको मालूम है कि कोई भी जो आपका बोले डायनोशियम है, उस डायनोशियम के तीन पोर्शन है, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट है। अब ये देखिए, ये जो फॉर्म हुई है ओवरी वो कैसी हो सकती है, मोनोकार्पलरी हो सकती है, यानी कि एक कार्पल से डेवलप हुई हो अगर, और हम ये बोलते हैं कि मल्टी कार्पलरी भी हो सकती है, यानी एक से ज्यादा कार्पल से अगर ये फॉर्म हुई हो तो, ठीक है। मल्टी कार्पलरी में फिर दो कंडीशन है, जैसे कि ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये पेपर वर्क है, ये माइके लिया है, अगर पेपर वर्क में देखो तो कंडीशन क्या है, सारे के सारे कार्पल फ्यूज हो गए, तो इसको सेम कार्पस ओवरी बोलते हैं। अगर इनमें क्या है, सारे के सारे कार्पस फ्री है, इसको एपो कार्पस बोलते हैं। तो डायग्राम भी याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये है एपो कार्पस ओवरी, ये है सेम कार्पस ओवरी, ठीक है। तो कार्पस फ्यूज हो सकते हैं या फिर फ्री हो सकते हैं अगर मल्टी कार्पलरी कंडीशन है तो। चलिए, नाउ नेक्स्ट मेगास्पोरो जिनेसिस। अब देखिए, मेगास्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोर जिससे फॉर्म होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो म्यूसिस के थ्रू क्या करती है, किसको फॉर्म करती है, मेगास्पोर को फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कहाँ है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेगास्पोर जिस स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, यहाँ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम शब्द यूज करिए या फिर ओव्यूल शब्द यूज कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ आपकी एनसीईआरटी ने एनाट्रोपस ओव्यूल ही दिया है, तो आप उस ओव्यूल का स्टडी भी करेंगे, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक छोटा सा स्टॉक है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ये इनकी मेन बॉडी है, मेन बॉडी जिस पॉइंट पर एक दूसरे से फ्यूज रहती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। यही जो आपका फ्यूनिकल है, यही वो एरिया है जहां तक क्या होते हैं, आपके वैस्कुलर बंडल जो है फैले रहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी के अंदर ये जो पोर्शन है, ये जो मेन जो है सेल्स जो प्रेजेंट है, ये सारी की सारी सेल्स जो है ये कैसी होती है, टू एन होती है, डिप्लॉयड होती है, क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो सारी की सारी आप देखिए, हाइलम जो है या फिर ये फ्यूनिकल जो एरिया, यहाँ पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट है सभी कैसी है, डिप्लॉयड होती है, टू एन होती है, सब टू एन है। तो वैसे ही ये जो एरिया है मेन बॉडी जो बना रहा है ओव्यूल का, वो भी क्या है, टू एन है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं, ये टू एन होती है, ठीक है। ये जो न्यूसिलस होता है वो इंटेग्यूमेंट से कवर रहती है, यानी इनके चारों तरफ इनको घेरे हुए आवरण पाया जाता है। ये इंटेग्यूमेंट्स जो है, अभी देखो यूनिटेग्मिक भी हो सकती है, सिंगल इंटेग्यूमेंट भी हो सकता है, और ये बाइटेग्मिक कंडीशन है, ठीक है। बट एनसीईआरटी इतना ज्यादा डिटेल नहीं देती है, तो आप उतना डिटेल में मत जाइए। देखिए, दो इंटेग्यूमेंट है, एक है इनर और दूसरी है आउटर। यही इंटेग्यूमेंट्स जो है वो एक पोर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसको ये माइक्रोपाइल बोलते हैं, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड के अंदर जो पोर होता है उसको हम बोलते हैं चलाजल पोर। तो ये है चलाजल पोर और ये है माइक्रोपाइल पोर। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। वो रीजन ये है कि एग किधर प्रेजेंट होती है, एक्सेल किस साइड में होती है, और पोलन ट्यूब की एंट्री किस साइड से होती है, या फिर हम ये बोल देते हैं कि सिनर्जिड सेल्स किस साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये सारे क्वेश्चन जब होते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये डायरेक्शन जो होते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि हम कोई डायरेक्शन हमारी बताते हैं नॉर्थ एंड साउथ, वैसे ही। चलिए, तो ये माइक्रोपाइल पोर है और ये है चलाजल पोर, और ये जो म्यूसिलस सेल्स जो होती है इनके बीच के अंदर ये प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। बट ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप यू इमेजिन करिए कि ये पूरा एरिया खूब सारी सेल जो है उससे भरा हुआ है, कंप्लीट पूरा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूसिलस बोल रहे हैं, और ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम है,
जिसके अंदर क्या होंगे, मेगास्पोर जो है वो फॉर्म होगा। चलिए अभी देखिए मेगास्पोर जो है, इसमें मेगास्पोर जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए ये माइक्रोपाइपोर है, ठीक है, माइक्रोपाइप एंड जो होता है उस साइड की कोई भी एक न्यूसिलर सेल जो होती है वो साइज में अपना क्या कर लेती है, अपना साइज इंक्रीज कर लेती है। डेंस होता है उसका साइटोप्लाज्म, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। कंपेयर करो अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल से तो कैसे कंपेयर करोगे, वहां की स्पोरोजिनी सारी सेल्स जो है सबकी सब डिवाइड करती है, सारी की सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है और सब माइक्रोस्पोर बनाती है, यानी पोलन ग्रेन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनते हैं, माइक्रोस्पोर ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक ही जो है वो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करी है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये क्या करेगी, क्योंकि ये खुद क्या है डिप्लॉइड कंडीशन में, और इसको मेगास्पोर जो बनाने हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में, यानी ये भी स्पोरिक मियोसिस करेगी। स्पोरिक मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा, चार मेगास्पोर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहले डायड बना है, देन टेट्राड बना, ये चार मेगास्पोर यहाँ पर फॉर्म हो गए, ठीक है। बट इसमें से चलाजल एंड का जो मेगास्पोर होता है केवल वही एक्टिव होता है, बाकी जो है तीनों मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। समटाइम कभी कभी ऐसा भी होता है चारों के चारों मेगास्पोर ही जो है वो आगे एम्ब्रियो से एग फॉर्म करने के अंदर हेल्प कर देते हैं, बट चूंकि आपकी एनसीईआरटी आपको जो देती है आपको उतना ही ध्यान में रखना है। तो एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, बाकी तीन जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे। यही मेगास्पोर जो है वो क्या करेगा, अभी उस स्पोर का केवल जो न्यूक्लियस होता है वही क्या करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है। ये न्यूक्लियस जो है वही कंटिन्यू डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस साथ साथ में नहीं होगा, ठीक है, केवल पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। बट याद रखिए ये चीज कि यहाँ पर क्या होता है, पहले मियोसिस हुआ, अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस कितने होंगे ये आपको थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला माइटोसिस होगा तो कितनी सेल्स बनेंगे, कितने न्यूक्लियस बनेंगे, दो। फिर ये वापस से माइटोसिस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, चार। एंड देन ये चारों फिर से माइटोसिस करेंगे तो कितने हो जाएंगे न्यूक्लियस, आठ। यानी कि आठ न्यूक्लियस स्टेज डेवलप करने के लिए इनको कितने माइटोसिस करने पड़े, इनको तीन माइटोसिस जो है वो करने पड़े। तीन माइटोसिस किया तब क्या बनेगा, यहाँ पर एम्ब्रियो सेट जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। अभी ये चारों न्यूक्लियस जब ये फॉर्म हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियस अभी क्या होते हैं, डीअरेंज होते हैं। कैसे, तीन आपके जो है आपके अरेंज हो जाते हैं एक पोल पे, और तीन हो जाते हैं डिफरेंट पोल पे। ये जो तीनों अरेंज हुई है एक साइड में, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। ये तीनों जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं, एंटी पोडल जो है ना, एंटी पोडल न्यूक्लियस, इनको न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, सॉरी। याद रखिए ये दोनों सिनर्जिड्स है और इसके साथ में ये एक क्या है, एग सेल है। तो ये हम ये एग एपरेटस इसको हम बोलते हैं। तो तीन सेल जो है एक पोल पे हुई है, तो इसमें दो आपके सिनर्जिड्स है, एक एग सेल है, जबकि तीन जो इसके जस्ट अपोजिट साइड में है वो क्या है, एंटीपोडल सेल है। और दो न्यूक्लियस सेंट्रल जो एरिया होता है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब ये क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस से यहाँ तीन सेल बनेगी, यहाँ पर भी तीन सेल बनेगी, पर सेंट्रल में एक ही सेल रहेगी। तो टोटल सेल काउंट करिए कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, 7। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियर 8 न्यूक्लियस कंडीशन। तो ये जो स्टेज है इस कंडीशन को, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और एम्ब्रियो सेक ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। तो यही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। याद रखिए इसका हर न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पर मेगास्पोर जो है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसने माइटोसिस के थ्रू ये बनाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक एग सेल के फॉर्म करने के लिए मेगास्पोर मदर सेल को कौन कौन से डिवीजन करने पड़े और कितने करने पड़े, तो एक मियोसिस और तीन माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है, एक क्या होती है, एग सेल जो है वो फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटीपोडल सेल जो है वो किस साइड में अरेंज होती है, वो चलाजल साइड में होती है, चलाजल साइड के अंदर, ठीक है। जबकि आपकी एग एपरेटस जो है, यानी सिनर्जिड सेल्स प्लस एग सेल जो है वो किस साइड में होती है, माइक्रोपाइल साइड में होती है। और ये सेंट्रल सेल जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में होती है। पोलर न्यूक्लियाई इसलिए बोला है क्योंकि एक न्यूक्लियस इस पोल से आता है, दूसरा न्यूक्लियस जो है माइक्रोपाइल से आता है, इस वजह से इनको पोलर न्यूक्लियाई हमने बोला है। याद रखिए इसमें एग सेल जो होता है उसका न्यूक्लियस हमेशा चलाजल साइड में होता है, जबकि लार्ज सेल जो वैक्यूल होती है वो किधर होती है, माइक्रोपाइल साइड में होती है। जबकि सिनर्जिड्स जो होती है उनके अंदर वैक्यूल जो होती है वो चलाजल साइड में होती है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो किस साइड में होता है, माइक्रोपाइल साइड में होता है। इसके अंदर कुछ फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या करती है, ये पोलन ट्यूब जो एंटर करती है उसको बताती है, डायरेक्शन बताने का काम करती है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस साइड से ही क्या होती है, पोलन ट्यूब एंटर करती है। मान लीजिए ये आपका ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल है, मैं बना देती हूँ, ये इंटेग्यूमेंट मैंने बना दिया यहाँ पे।
बट वो हमेशा जब एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेगी तो वो हमेशा फिनेजिड सेल्स को यहाँ से ही क्या करेंगी, माइक्रोपाइल साइड से ही उसमें एंटर करेगी। यानी कि एम्ब्रियो सेक में एंटर होने की डायरेक्शन जो है हमेशा फिक्स होती है, जबकि ओव्यूल में एंटर होने की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। मतलब चलाजो यहाँ पे चलाजा साइड से, इंटेग्यूमेंट साइड से, माइक्रोपाइल साइड से, किसी भी साइड से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है। चलिए नाउ नेक्स्ट, देखिए एग जो है वो भी फॉर्म हो गया पॉलन ग्रेन में, एक मेल गैमेट फॉर्म हो गया। अभी क्या होना है, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है और उसके अंदर अपने मेल गैमेट को रिलीज करना है एग सेल के पास में, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये फ्लावर में होना इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से हम ये बोलते हैं कि पॉलिनेशन जो है हम बोल सकते हैं कि हो सकता है, दो कौन कौन से, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लावर है जिसके अंदर क्या है, इसका अपना फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसी में है फ्लावर में, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंड्रोशियम भी इसी में है। तो पोलन ग्रेन का अपनी ही स्टिग्मा पर जब क्या है ट्रांसफर होना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर एक फ्लावर में ऐसे ही एक प्लांट है जिसमें दो तरह के फ्लावर है, ये आपका मेल फ्लावर है और ये आपका क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो अगर पोलन ग्रेन इसी प्लांट में ही अपने ही फ्लावर पे, अगर अपने ही फ्लावर की फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, एक पे यहाँ पे मेल फ्लावर लगे हैं, दूसरे पर इस पर यहाँ पर क्या है, फीमेल फ्लावर लगे हैं, तो इसके पोलन ग्रेन जब दूसरे प्लांट की फीमेल की स्टिग्मा, फीमेल जो स्टिग्मा है सॉरी फीमेल फ्लावर के ऊपर जो स्टिग्मा है उस पर अगर जाकर लैंड होते हैं, तो इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन को जीरोगैमी या फिर एलोगैमी भी बोलते हैं। यानी दो डिफरेंट प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो हो रहा है और वहां फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, उसको हम जीनोगैमी या फिर हम बोलते हैं एलोगैमी भी बोलते हैं। और ये कंडीशन कब होगी, जब फ्लावर जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेक्स फ्लावर होंगे, है ना। और कंडीशन क्या होगी, डायोशियस कंडीशन होगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलिए, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब अपने ऊपर ही हुआ, यानी कि ये कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन में भी होगी और मोनोशियस कंडीशन में भी हो सकती है, क्योंकि दो मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर एक प्लांट में प्रेजेंट है तो उसको मोनोशियस बोले, तो इस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। देखिए इसमें फिर वही है, आपके पास में दो कंडीशन है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी किसको बोल रहे हैं, जब सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। जबकि यहाँ पर हम जिटेनोगैमी किसको बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये हम ये बोल रहे हैं कि पॉलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन अपने ही प्लांट के फीमेल फ्लावर पर जो है वो जाकर लैंड हो रहा है, उसको हम जिटेनोगैमी बोलते हैं। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये कंडीशन क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर जेनेटिकली देखें तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि जीन्स तो सेम ही रहेंगे, एक ही प्लांट के ऊपर है मेल एंड फीमेल फ्लावर। तो ये तो क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकली अगर हम देखें, एनवायरमेंटली कंडीशन में अगर हम देखें टेक्निकली, तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन है, उसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। जिटेनोगैमी के लिए एक नया वर्ड हो सकता है, जो क्या है, अगर हम देखें जेनेटिकली तो क्या है वो, हम ये बोल रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन अगर इकोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बट ये दोनों ही क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के ही पार्ट है, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी, आपके एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन जो है ना, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑटोगैमी। अब ये ऑटोगैमी जो है ना, ये कैसे डेवलप हो सकती है, ऑटोगैमी कैसे होगी, तो पहले देखो कैलिस्ट्रोगैमी अगर हो, कैलिस्ट्रोगैमी किस कंडीशन को बोलते हैं, प्लांट रिमेन क्लोज टू एंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो मतलब कि ये कंडीशन तभी होगी जब क्या है कि उनके ऊपर फ्लावर किस तरह के हैं, उनपे फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है कि आपस में पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर वो क्या करते हैं, फ्लावर जो है वो बर्ड स्टेज में, यानी कि अगर वो खुलते नहीं है, बर्ड स्टेज के अंदर ही रहते हैं, तो जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो क्या होगा कि वो पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा, अपने ही स्टेमन से पोलन ग्रेन जो है वो अपनी स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। चेस्मोगैमस फ्लावर जो है
ये आपके जो है चेस्मोग्रेमस फ्लावर है, यानी कि ये वो फ्लावर है जो हमें बोलते हैं कि खुले रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। बट कंडीशन क्या होती है कि चेस्मोग्रेमस फ्लावर जो है वो अपने पॉलन ग्रेन, अगर ये यूनिसेक्शुअल है तो ये अपने पॉलन ग्रेन को दूसरी के ऊपर जो है वो दूसरे प्लांट को भी ये क्या कर सकते हैं कि वहां जाकर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। चेस्मोग्रेमस फ्लावर एक्चुअल में जो ओपन फ्लावर होते हैं उनको हम बोलते हैं। बट अगर वो बाइसेक्सुअल है तो कंडीशन क्या रहेगी, सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर यूनिसेक्सुअल है तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है मे बी वो ट्रांसफर करे। बट चेस्मोग्रेमस फ्लावर के अंदर यहाँ कंडीशन रह सकती है ये भी कि उनके पोलन ग्रेन किसी और प्लांट के जाके जो स्टिग्मा उसको भी वो फर्टिलाइज करे, तो ये कंडीशन भी रहती है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन की ही रहेगी इसमें। बट पॉलिनेशन बट अगर ओपन ना हो तो इस कंडीशन के अंदर हो सकता है। और होमोगेमी हम किसको बोलते हैं, जब एंथर और स्टिग्मा एक फ्लावर जो है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर होमोगेमी हो, दोनों सेम टाइम पर ही क्या हो रहे, मैच्योर हो रहे हैं, तो वो दोनों सेम टाइम पर ही क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होंगे एंथर से और उसके स्टिग्मा में जाकर क्या होंगे, वहां पे गिरेंगे एंड देन अपने ही स्टिग्मा को जो है वो क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोगेमी बोलते हैं। तो होमोगेमी जो है वो हम बोलते हैं सेम टाइम पर एंथर एक ही फ्लावर के एंथर एंड स्टिग्मा जो है उसका मैच्योर होना। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या क्या है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन ज्यादा होती है, इजी है पोलन ग्रेन का अपने ही फ्लावर को में जाके गिरना। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो एक्चुअल में अपने ही करेक्टर को प्योर बना के रखती है, क्योंकि किसी और प्लांट पे जाकर उसको अगर एग सेल को फर्टिलाइज करता है अगर पोलन ग्रेन, तो इस कंडीशन में वेरिएशन डेवलप हो सकते हैं अपने ही प्लांट के अंदर, अपने ही फीमेल के अंदर, फीमेल जो है उसको अगर फर्टिलाइज कर रहा है फ्लावर को, तो इस कंडीशन के अंदर सेम जेनेटिक मटीरियल ही क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। तो प्योरिटी रहती है करेक्टर्स की, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर पोलन ग्रेन की ज्यादा क्वांटिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन की कोई हानि तो होगी नहीं। अब क्रॉस पोलिनेशन में तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो कुछ पोलन ग्रेन जो है एनवायरमेंट में इधर उधर फैल जाए जो स्टिग्मा तक पहुंचे ही नहीं, तो पोलन ग्रेन ज्यादा पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ईजी होता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पोलिनेट जो एजेंट्स होते हैं या फिर हम ये बोलते हैं कि कुछ पोलिनेशन को अट्रैक्ट करने वाली जो कंडीशन होती है जैसे पेटल्स की प्रेजेंस, कलरफुल या फिर नेक्टर का रिलीज, ये सब रिक्वायरमेंट्स भी वहाँ नहीं रहती है, तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का ये है कि जनरेशन टू जनरेशन सेम करेक्टर ही मूव करेंगे, प्योर लाइन जनरेशन तो जरूर मेंटेन हो जाएगी बट वेरिएशंस जो है वो डेवलप नहीं होंगे, न्यू करेक्टर्स फॉर्म नहीं होंगे, इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो ये चीज जो है वो मिस हो जाती है। इसीलिए हम चाहते ही है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है। एनवायरमेंटल कंडीशन से भी अगर हम देखें तो अपने कोई भी स्पीशीज जब वेरिएशन शो करती है तो वो मोर स्टेबल होती जाती है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, इकोलॉजिकली एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ करेक्टर्स अच्छे डेवलप होते हैं, कुछ ऐसे फालतू के भी हो जाते हैं। लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड वेरिएशन, बिल्कुल ये चीज मैंने आपको बताई है। तो डिसएडवांटेज भी है, इस वजह से क्या चाहिए, चूंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट ना हो तो आउट ब्रीडिंग कुछ डिवाइसेज हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है और जिस वजह से वेरिएशन जो है वो डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो डिवाइसेज हैं उनको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेज बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन रोल वही इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करना है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, एंथर और स्टिग्मा जो है अगर वो दो डिफरेंट प्लेसेस पे रखा जाए, पोजिशन पे रखा जाए, तो इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये तो नॉर्मली मेंडल ने भी किया था अपने जेनेटिक्स में, पढ़ाया हमने कि उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो होता है नॉर्मली पी प्लांट में, उसको क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए क्या किया, इमोस्कुलेशन कर दिया प्लांट का और एक पूरा स्टेमिनेट प्लांट और एक पिस्टिलेट, फिर देन पोलन ग्रेन्स को जब उसके स्टिग्मा पर शेड करवा दिया तो उनकी बैगिंग वगैरह कर दी जिसकी वजह से दूसरे पोलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज ना करे, तो आर्टिफिशियली कंडीशन डेवलप कर दी। और अब उनके खुद मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का मेन जो फंडा है वो यही है कि दोनों अगर दूर दूर रहेंगे, दोनों को दूर कर दिया जाएगा, इमोस्कुलेशन अगर कर दिया है जैसे कि, तो इस कंडीशन में क्या हो गए, दूर दूरी हो गए ना सेम फ्लावर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो ये कंडीशन की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, तो दूर रखना जरूरी है। इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा ये दोनों एक साथ में मैच्योर ना हो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है एक साथ मैच्योर नहीं होगा तो इस कंडीशन से क्या होगा, अगर पोलन ग्रेन बाई चांस उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे गिर भी गए तो एग ही जो है वो मैच्योर नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली जो क्रॉस पॉलिनेशन जो है उस कंडीशन की तरफ ज्यादा मूव करेंगे, है ना। तो ये जो है ये कंडीशन भी हो सकती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही पोलन ग्रेन के लिए हमें बोल देते हैं या फिर कुछ पोलन ग्रेन अपनी जो स्टिग्मा होती है उसके लिए इनकम्पेटिबल होते हैं,
तो इस वजह से उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर डेवलप होते हैं तो ये तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस को और भी बढ़ा देते हैं। चलिए नाउ टाइप ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेशन पोलन ग्रेन को क्रॉस पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट की जो फीमेल है यानी स्टिग्मा जो है वहां तक पहुंचाना जो है उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, पोलन ग्रेन को पहुंचाने का काम करते हैं। ये एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक हम किसको बोलेंगे, जो एजेविक है यानी कि विंड एंड वाटर, विंड जो है उससे होने वाले पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस। हाइड्रोफिलस किसको बोलते हैं, वाटर के थ्रू पोलिनेशन होना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना। बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं जितने भी हैं, इंसेक्ट्स जो है मेजर हम ये बोलते हैं कि बायोटिक एजेंट होता है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बर्ड्स के थ्रू, कैट के थ्रू, स्नेल के थ्रू, आंट्स के थ्रू भी क्या हो सकता है कि ये पॉलिनेशन हो सकता है। तो आपकी एनसीईआरटी ने एंटोमोफिली जो है इंफॉर्मेशन को दिया है तो आपको इसी पर ही गौर करना है, ये तीनों के बारे में आपकी एनसीईआरटी ने समझाया है, तो इन्हीं तीनों पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोग टर्मिनोलॉजी याद रख सकते हो, बर्ड्स से अगर हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, वैसे ऑर्निथो वर्ड आता तो आप समझ जाते हैं बर्ड्स के बारे में बात करें। क्राइडेप्टेरोफिली यानी बैट्स के थ्रू हो रहा है तो, मेलेकोफिली स्नेल के थ्रू हो रहा है तो, और माइरेमेकोफिली यानी कि चींटियों के थ्रू अगर हो रहा है तो, विंड्स पोलिनेशन यानी विंड के थ्रू पोलिनेशन यानी एनिमोफिली। अब ये कंडीशन कैसे होती है, पोलन ग्रेन देखिए अगर हवा के थ्रू कोई चीज जा रही है यानी कि उसका हल्का होना बहुत जरूरी है, उसका ड्राई होना बहुत जरूरी है, चिपचिपा अगर स्टिकी कंडीशन किसी भी चीज की होती है तो वो इजी वे में विंड के थ्रू जो है पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग देखना चाहें तो कागज है जो वो आराम से आसानी से उड़ जाता है क्योंकि एक तो हल्का होता है और दूसरा वो ड्राई होता है तो इस वजह से वो उड़ जाता है हवा के साथ में। अगर उसी के बजाय अगर आप कोई भी चिप्स ले लीजिए, चिप्स को आप अगर सॉस में डुबोइए और उसको रख दीजिए तो वो हवा के साथ में उड़ पाएगा क्योंकि वो स्टिकी है। ठीक है, तो और थोड़ा वेट भी उसका ज्यादा है तो वो उड़ नहीं पाएगा हवा के साथ में, आप चाहे उसको रख दीजिए। तो इसी वजह से वही सेम फंडा काम आता है, तो पोलन ग्रेन का लाइट होना, नॉन स्टिकी होना, और विंड अगर होंगे तो और भी इजी हो जाएगा विंड के थ्रू उसका ट्रांसफर होना जरूरी है। स्टैमल्स जो होते हैं वो इसके वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि वो हवा में आसानी से हवा के कॉन्टेक्ट में रहे तो पोलन ग्रेन जो है वो हवा के साथ में उड़ सके। स्टिग्मा जो होती है वो कैसी होती है, लार्ज साइज की होती है, बड़ी सी होती है। ठीक है, और हम बोलते हैं फिबरी होती है, फेदर्स जैसे होते हैं ताकि वो कैच कर सके पोलन ग्रेन्स को। फ्लावर जो है वो हम ये बोले एक ओव्यूल उसमें होता है और इनफ्लोरोसेंस जो है वो डेवलप रहता है जिसकी वजह से आसानी से हम वो कैच कर पाते हैं। एक सिंगल फ्लावर का प्रेजेंट जो है स्टिग्मा का पोलन ग्रेन्स को कैच करने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर पूरा इनफ्लोरोसेंस जो है वो अगर वहां पे हो तो। चलिए वाटर के थ्रू अगर होगा उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी जो है वो क्या करती है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन शो करती है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने तो जो एग्जांपल दिया है जोस्टेरा का और वेलिसनेरिया का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी देता है तो आप लोग ध्यान रखिए। जोस्टेरा जो है वो एक्चुअल में पूरा हम ये बोलते हैं कि पानी के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा होता है, उसमें ना तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों में से कोई भी सरफेस पे नहीं आता है। जबकि वेलिसनेरिया के अंदर क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो होता है वो हमें बोलते हैं कि वैसे तो नीचे रहती है और वो पूरा का पूरा उसका हमें बोलते हैं पेडिसल जो होता है वो कैसे रहता है, कोल्ड रहता है। पर जब मेल फ्लावर आते हैं तब ये क्या हो जाती है, ये पेडिसल जो होता है वो खुल जाता है और ये ऊपर पानी की जो सरफेस होती है ना वहां पर जाकर क्या करते हैं, कैच करते हैं, पॉलिनेशन वहां होता है, मेल फ्लावर जो होते हैं उसको वो पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलिसनेरिया के अंदर हमें बोलते हैं पानी के ऊपर ऊपर होना, जोस्टेरा के अंदर एकदम पानी के अंदर तक हो रहा है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा लेकिन तब फ्लावर का बड़ा ही खूबसूरत होना, नेक्टर प्रोड्यूस करना जरूरी है, फ्रेग्रेंट होना जरूरी है, तभी इंसेक्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। राइट, स्टिग्मा जो होती है वो उसकी कैसी होती है, स्टिकी होती है ताकि जब उस पर जाकर इंसेक्ट बैठे तो स्टिग्मा जो स्टिकी नेचर की वजह से पोलन ग्रेन वहीं पर उससे चिपक जाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो पॉलिनेटर्स जो है इंसेक्ट्स के लिए रिवार्ड क्या क्या होंगे, यही नेक्टर होंगे, कुछ पोलिनेट्स एडिबल भी होते हैं ताकि वो उनको खाते हैं फूड की तरह, और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर हम ये बोल देते हैं कि ओवरी के अंदर जाकर क्या रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी जब होती है तब भी इंसेक्ट क्या होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ओवरी तक आते हैं और जब वहां पे आएंगे तो वो पोलन ग्रेन जिनको चिपका के लेके आए हैं वो एग तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है, इसके लिए एग्जांपल आपने दिया है यूका एंड एमोर्फोफिलस। इसके अलावा इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होने के कई मेथड है, उन मेथड को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्लिप मेथड जो आता है, टर्न पाइप मेथड जो आता है, ये सारे मेथड्स हैं जो हमें बोलते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन के ही होते हैं।
बट ये नहीं इतना डिटेल में हमें जाने की रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी हमें ना देती है, नहीं तो पूछा जाता है तो उनको इतना डिटेल में जाए। चलिए पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर गिरना और उसके बाद में कंपैटिबल है इसका रिकॉग्नाइजेशन होना कि हाँ भाई यही पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद में पॉलन ट्यूब जो है उसका आपके फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसाइट जो है उसके अंदर एंटर होना, और वहां पर जाने के बाद में मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तीनों स्टेप लिखे हैं, रिकॉग्नाइजेशन, जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट तो डेवलप हो ही गया ना, पॉलन ग्रेन जो है उसकी पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट हो गई है, तो जर्मिनेट जब हो जाती है यानी पॉलन ट्यूब जब बन जाती है और ऐसे पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के पार्ट है। तो ये पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब उसने फॉर्म की, याद रखो देखो ये यहाँ से एंटर किया, ओव्यूल में माइक्रोफाइलसाइट से गया है और किसी साइड से उसने क्या किया है, ये एंटर करेगा किसके अंदर, आपके एम्ब्रियोसाइट के अंदर। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के इवेंट जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है रिकॉग्नाइजेशन, जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ट्यूब का बनना, बस यहीं तक इसी स्टेज को ये पॉलन हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी करवाया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया मेंडल ने जो किया, पहले ई मस्कुलेशन किया जाता है एंड देन क्या की जाती है, बैगिंग कर दी जाती है ताकि उसको कोई और पॉलन ग्रेन आकर फर्टिलाइज ना करे। तो ये जो मेथड है ये आप लोगों को मालूम है, जेनेटिक्स में भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इसके अंदर होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है भाई, यह आपका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जैसे फर्टिलाइजेशन होना होता है उससे पहले क्या हो जाते हैं, आपके पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं दोनों के दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद में क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 2n आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो जो दो मेल गैमेट बने हैं वो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ में फ्यूज होगा जिससे बनेगा क्या, जायगॉट। तो ये हुआ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसको सिंगामी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन किसको बोला, सेकंड मेल गैमेट जो होता है वो ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है जिनके फ्यूज होने से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है उसके साथ में जब वो फ्यूज होता है तो यहाँ पे क्या बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है उसका फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये क्वेश्चन है पूछा जाता है ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये फॉर्म होता है, तो इसके फॉर्म होने को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ट्रिपल फ्यूजन बोला है क्योंकि जो सेकंड आपका जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर हम ये बोल रहे हैं तीन न्यूक्लियस जो है वापस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला है, और डबल फर्टिलाइजेशन वही आपको लिख के हमने फॉर्मूला वाइज बता दिया है। चलिए नाउ ये जो आपका PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये कंटिन्यू डिवीजन करता है और एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। एंडोस्पर्म वो टिश्यूज होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और फिर ये जो जायगोट होता है ये कंटिन्यू माइटोसिस करता है एंड एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और एम्ब्रियो जो है वो क्या होता है, एम्ब्रियो आगे हम ये बोलते हैं कि रेडिकल एंड प्लूमुल बनाता है जिससे क्या होता है, नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है, और इसी के साथ जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी ओवरी जो है उस ओवरी में भी कई सारे चेंजेस आते हैं क्योंकि ओवरी फ्रूट के अंदर और ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद में आने वाले चेंज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो भाई जर्मिनेशन के बाद में सीड का बनना और फ्रूट का बनना इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम इसी को बोलते हैं। क्लियर, चलिए नाउ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बारे में बोल दिया, वही पीएन क्या है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करती है, कंटिन्यू डिवीजन की वजह से सबसे पहले क्या होगी, मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन डेवलप होगी। तो अगर वो आगे साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, मान लीजिए कि ये सेल है और इसने कंटिन्यू न्यूक्लियर डिवीजन किया और इसने आगे साइटोकाइनेसिस नहीं किया, तो इस तरह के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोकोनट के अंदर लिक्विड एरिया देखोगे तो वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। फिर अगर ये साइटोकाइनेसिस करे और सेल वॉल फॉर्म करना शुरू कर दे तो इसकी वजह से अब ये जो एंडोस्पर्म बनेगा इस एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये एंडोस्पर्म का काम क्या है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम इनका होता है। ठीक है, फिर ये एंडोस्पर्म जो है कई बार पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो का थ्रू और कई बार नहीं कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं, ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म रहता है पूरी तरीके से एम्ब्रियो द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता, ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं।
और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है, जिनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया गया है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, पी में, ग्राउंडनट के अंदर और बीन्स के अंदर, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। जबकि कैस्टर एंड कोकोनट, इनके अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से एम्ब्रियो द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता, इन सीड को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। दोनों ध्यान रखिए, यानी सीड जर्मिनेशन के टाइम पे एंडोस्पर्म रहेगा। नाउ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो जो होता है ये माइक्रोपाइल साइड के अंदर, यहाँ पर मान लीजिए ये माइक्रोपाइल साइड है तो यहाँ पे जाइगोट जो है वो बनेगा। तो एम्ब्रियो कहाँ सेट हो रहा है, माइक्रोपाइल एंड जो होता है वहां पर क्या है, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा और इसको न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होता है डाइकॉट के अंदर और मोनोकॉट के अंदर। तो ये दोनों के एम्ब्रियो है। अगर डाइकॉट की बात करोगे तो डाइकॉट में जाइगोट पहले क्या कर रहा है, डिविजन कर रहा है। अभी देखिए याद रखो, अभी क्या कौन सी स्टेज आ गई है, 2N फर्टिलाइजेशन हो गया 2N, अब ये माइटोसिस ही करेगा तो कंटिन्यू माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के रिजल्ट जो है कई स्टेजेस आती है डाइकॉट के अंदर। फर्स्ट स्टेज जो ग्लोबुलर स्टेज जो है, एम्ब्रियो जो है डेवलप हो रहा है, ग्लोबुलर से हार्ट शेप के अंदर जो है वो क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है और इससे बनता है मेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज वाइज पूछा जाता है कि क्या सिक्वेंस है, तो जाइगोट, जाइगोट से बना ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन बनेगा आपका मेच्योर एम्ब्रियो। मेच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, एक आपका हाइपोकोटाइल एरिया है, हाइपोकोटाइल एरिया उसको बोलते हैं जो आपके किसके नीचे है, प्लूमुल के नीचे है। ये एरिया रेडिकल है जो रूट को डेवलप करेगा, रेडिकल रूट कैप से कवर रहता है और ये जो आपका ऊपर वाला रीजन है इसको हम प्लूमुल बोलते हैं, प्लूमुल से आपके दो कॉटिलेडन्स जो है वो निकले रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा शीट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, डाइकॉट है तो दो कॉटिलेडन है। ठीक है, प्लूमुल से शूट बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगी। जबकि मोनोकॉट के अंदर अगर देखोगे तो एक ही सिग्नल, ग्लासेस के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ही सिग्नल क्या है, यहाँ पे कॉटिलेडन प्रेजेंट है जिसको स्टूटेलम हम बोलते हैं, वही आपका क्या है, रेडिकल है एंड प्लूमुल है। लेकिन प्लूमुल जो होता है वो एक खोखली अगर हम बोलते हैं, होलोड लीफ अगर हम बोलते हैं, लीफी शीट से कवर रहता है जिसको हम पॉलियोपटाइल बोलते हैं। रेडिकल जो है वो कवर रहता है किससे, शीट से, जिसको हम बोलते हैं कोलियोरेडिका। यहाँ पर भी रूट कैप जो है वो प्रेजेंट होती है। तो याद रखिए यहाँ पर क्या, स्टूटेलम की प्रेजेंस, एक सिंगल कॉटिलेडन जो है उसको शो कर रही है। ठीक है, तो ये हुआ मोनोकॉट, ये है डाइकॉट एम्ब्रियो, दोनों में ही डिफरेंस है। चलिए नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के अंदर ये होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फ्लावर के जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, गिर जाते हैं। स्टैमेंस जो होते हैं ये भी झड़ जाते हैं। अगर हम स्टाइल स्टिग्मा की बात करें तो ये सारे जो होते हैं झड़ जाते हैं, बट कुछ कुछ के अंदर क्या होते हैं, रह भी जाते हैं। जैसे कि कैलिक्स जो होते हैं वो रहते हैं टमाटो एंड ब्रिंजल के अंदर। अगर आप देखोगे टमाटो तो उसमें हरी हरी पत्तियां होती है ना, वो क्या है, उसका कैलिक्स पोर्शन है। और कुछ के अंदर ये ग्रोथ भी शो करते हैं जैसे कि फाइजेबिस के अंदर। चलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या आते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पेरिकार्प। ठीक है, अभी आपको पता है ना तीन पोर्शन होते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प और लास्ट में क्या है, एपिकार्प। ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। फ्यूनिकल जो है वो सीड का स्टॉक बना लेता है। हाइलम जो है स्टिल रहता है। ठीक है ना, म्यूसिलस जो है कभी कभी, सब में नहीं, म्यूसिलस जो होता है वो भी पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। कभी कभी होता है न्यूसिलस प्रेजेंट रहता है, न्यूसिलस की है डिप्लॉइड कंडीशन होती है उसके भी। ठीक है, न्यूसिलस एक्चुअल में अगर कोई सीड ऐसा है जिसके अंदर क्या है, न्यूसिलस भी प्रेजेंट है, एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है, तो आप क्या देखोगे कि उस पर्टिकुलर सीड के अंदर कई जनरेशन है। कैसे हो गई, न्यूसिलस जो है वो पेरेंटल जनरेशन को शो कर रही है, स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, तो ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ब्लैक पेपर के अंदर ये प्रेजेंट होती है कंडीशन। ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट जो होती है, यानी ओव्यूल की आउटर इंटेग्यूमेंट, वो सीड पॉड बनाती है, टेस्टा पोर्शन बनाती है। इनर इंटेग्यूमेंट, टेगमेंट जो होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। माइक्रोपाइल जो है वो स्टिल है। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, अभी देखिए फर्टिलाइज्ड जो एग है, हम ये बोलते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कन्वर्ट, वो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जाइगोट में, जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और फर्टिलाइज एक जो फर्टिलाइज जो हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर होता है, उससे एंडोस्पर्म जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। सिनर्जिस एंड एंटीपोडल सेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड अगर हम देखेंगे तो सीड में क्या क्या चीजें हैं, देखिए सीड जो होते हैं उसके आउटर कोट होता है, सीड कोट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और हम अंदर जो है वो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब उसमें एंडोस्पर्म हो भी सकता है नहीं भी। कंडीशन देखो हमारे पास में दो है, एक तो होती है नॉन एल्ब्यूमिनस
और दूसरी है एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस हम किसको बोल रहे हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किसको बोले जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर एंड कोकोनट, इनमें एल्ब्यूमिनस सीड है, जबकि पी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड बीन्स, इनके अंदर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स के डायग्राम है, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ए बी सी करके मार्क करके पूछ लेंगे। ये क्या है, सीड कोट है, ये एंडोस्पर्म है, ये क्या है, कॉटिलिडंस है, यानी किस तरह का सीड है भाई, ये जो है एंडोस्पर्म है, इसलिए ये एल्ब्यूमिनस सीड है। ये आपका मोनोकोट सीड है, मोनोकोट में देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, एंडोस्पर्म भी नजर आ रहा है। देखिए हम लोगों ने बीज, मेज और वो मोनोकोट जो है एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर ही लिखा है। फिर ये क्या है, आप इसके अंदर देखोगे तो सीड के आउटर कोट है जिसको हम पेरिकार्प बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। नाउ फ्रूट, क्योंकि ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो फ्रूट दो तरह के हो सकते हैं, फ्लैशी एंड ड्राई। फ्लैशी किसको बोलेंगे, जो गुदगुदे से होते हैं, ड्राई जस्ट आपके जो आप नट्स आप लोग खाते हैं जिनका हम बोलते हैं कि जो आप फ्रूट जो होता है पल्प जो एरिया है वो आप अगर देखोगे उनका जो कार्प का एरिया है वो जिससे भी बना है, मीजोकार्प, एंडोकार्प या फिर एपिकार्प, जो भी उसका एडिबल पोर्शन आ रहा है वो ड्राई है। ठीक है, फ्रूट दो तरह के हो सकते हैं, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट हमेशा क्या होंगे, ओवरी से डेवलप होंगे। फॉल्स फ्रूट जो है वो किसी और पार्ट से जो है फ्लावर के और पार्ट से डेवलप होंगे, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू नट्स, इन सब के अंदर। ये क्या है, एप्पल के अंदर अगर आप देखोगे तो थैलेमस जो होता है ना वो फ्रूट बनाता है। थैलेमस जो होता है वो बढ़कर इस तरह से पूरा कवर हो जाता है, सीड तो बीच में रह जाते हैं और वो इसका एडिबल पोर्शन क्या होता है, थैलेमस पोर्शन होता है, तो जिनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फ्रूट्स। फिर आते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो हम ये बोलते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लावर जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही, यानी ओवरी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में डेवलप हो जाती है, उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं ऐसे फ्रूट्स को। अब ये पार्थेनोकार्पिक की वजह से जो है फ्रूट किस किस में डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, एप्पल है, पियर है, बनाना है, इनमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। और ये हॉर्मोन्स के थ्रू भी इंड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि टमेटोस के अंदर। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर डिप्लॉयड एग सेल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली किसमें, एम्ब्रियो के अंदर, यानी यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम ये बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये किस किस में होता है, ये एस्ट्रेसी एंड ग्लासेस फैमिली के अंदर बहुत आसानी से होता है। एपोमिक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ पढ़ा हुआ तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि क्योंकि हाइब्रिड्स जब डेवलप होते हैं तो हाइब्रिड का डेवलपमेंट बहुत ही कॉस्टली रहता है, और हाइब्रिड की वजह से अच्छे करेक्टर जो है हम लोग एक बार डेवलप तो करवा लेते हैं, बट हम चाहते हैं कि वो सेम करेक्टर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन किया जाए। तो एपोमिक्सिस इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एपोमिक्सिस के अंदर क्या डिप्लॉइड्स है, जो एग सेल है वही क्या कर रही है, नया प्लांट जो उसको फॉर्म कर रही है। तो एक बार आपने हाइब्रिड डेवलप कर लिया एंड देन उसके बाद में क्या है, उसी से आप नए प्लांट बनाते जा रहे हैं, तो सेम कैरेक्टर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा। तो एपोमिक्सिस हाइब्रिड प्लांट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे कैरेक्टर डेवलप करवाए होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इसमें बहुत रिसर्च हो भी रहे हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि एपोमिक्सिस जो है वो बहुत अच्छा मेथड है हाइब्रिड कंडीशन को मेंटेन करने का। ठीक है, तो ये हुआ आपका एपोमिक्सिस। फिर उसके बाद में आ जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी ह्यूमन हॉक ने देखी थी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अगर होता है तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी कई तरीके से हो सकती है कि एक से किसी एक में एक से ज्यादा आप हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाए, वो हर एम्ब्रियो सैक की एग जो है फर्टिलाइज हो जाए और उससे कई सारे क्या है हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए, या फिर न्यूसिलस सेल्स जो हैं वो भी एम्ब्रियो बनाए और जो एम्ब्रियो सैक है उसकी हर सेल यानी सिनर्जिड भी और एंटीपोडल सेल्स भी और हम बोले और खुद एग सेल जो है वो भी एम्ब्रियो बना ही रही है, तो इस तरह से क्या मल्टीपल एम्ब्रियोज जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोल रहे हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी कई तरीके से डेवलप हो सकती है। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी किसके अंदर देखी गई, तो सिट्रस प्लांट जो होते हैं उसके अंदर देखी गई है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सिट्रस एंड मैंगो के अंदर। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हुआ, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब यही होता है बहुत सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट न्यूसिलस सेल से भी हो सकता है या फिर एम्ब्रियो सेक की खुद की बाकी की एग को छोड़कर और जितनी बाकी सेल्स है उनसे भी जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल मैंगो एंड सिट्रस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है।
ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोगों का रिवीजन एनसीईआरटी का पूरा हो गया होगा। अब आप खुद से रिवाइज करिए और मेरे फॉलोअप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए।